हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू द न्यू चैप्टर डिफरेंशिएशन ऑफ क्लास 12। हमने क्लास 12 का जो न्यू चैप्टर डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहे हैं, ये चैप्टर 7 है। इसके बारे में हम लोगों ने बेसिक है वो पहले पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा है आप लोगों ने बेसिक? इससे प्रीवियस चैप्टर जब हम लोगों ने करवाया था चैप्टर 6, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि फंक्शन डेरिएबल कब होता है और किस टाइप्स की उसकी प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है फंक्शन डेरिएबल कब होगा। तो फंक्शन डेरिएबल कब होगा, जब कोई भी फंक्शन है अगर उसके वो उसकी डोमेन के हर एक पॉइंट पर वो फंक्शन अगर डेरिएबल है तो ही फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा या डेरिएबल होगा। डिफरेंशिएबल डेरिएबल एक ही बात है। और यह भी पता है कोई भी फंक्शन मे और मे नॉट बी ऑल पॉइंट्स ऑफ डोमेन कैन बी डेरिएबल। तो कोई भी फंक्शन है वो क्या हो सकता है कि किसी सभी पॉइंट के फंक्शन के सभी पॉइंट के डोमेन के ऊपर डेरिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये बात आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। तो आज हम देख थोड़ा सा और देखते हैं इसका। वैसे तो हमने इसका बेसिक करवा दिया था, आपने क्लास 11 में पढ़ा है लिमिट और डेरिवेटिव के अंदर कि सिंपल जो फॉर्मूले डेरिवेटिव के जो आर फॉर्मूले करवाएंगे वो आपने पढ़े हैं 11th क्लास में लिमिट और डेरिवेटिव से रिलेटेड चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं, क्या होता है ये, किस प्रकार ड्राइव्ड फंक्शन क्या होता है, डेरिएबल क्या होता है, किससे इसको डिनोट करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले है कि ड्राइव्ड फंक्शन क्या होता है। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी द डेरिएबल ऑफ x, डेरिएबल फंक्शन ऑफ x। मान लो ये कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये x के ऊपर कोई डेरिएबल फंक्शन है। तो इसकी ईच वैल्यू, मान ले ईच वैल्यू ऑफ x के लिए द ईच वैल्यू ऑफ x देयर कोरस्पोंडिंग डिफाइन ए फंक्शन। हम x की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन क्या है f डैश x, ऊपर डैश का साइन लगाया। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड द ड्राइव्ड फंक्शन। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड फंक्शन। और इसी को ही अपन बोलते हैं डेरिवेटिव, और इसी को ही बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशियंट। क्लियर, यही होता है। जैसे एफ डैश ऑफ एक्स है तो ये ड्राइव्ड फंक्शन ही बोलते हैं, इसको डेरिवेटिव बोल सकते हैं, इसी को डिफरेंशियल कोफिशियंट भी बोल सकते हैं। और अदर सिंबल है, ये क्या होता है एफ डैश ऑफ एक्स, इसका मीन्स होता है ड्राइव्ड फंक्शन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब ये ड्राइव्ड फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स का, और ये किसका डेरिवेटिव, किसके रेस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में। अब इसको डिनोट करने के हमारे पास काफी मैंने इसमें तरीके लिख रखे हैं। सबसे पहले देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव या उसको ड्राइव्ड फंक्शन क्या होता है एफ डैश एक्स से भी डिनोट कर देते हैं, या इसको dy by dx से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, देखो यहां से हमने तब बता रहे आपको पहले, क्योंकि आप लोग 11th के लिए इससे पहले हमने करवाया है। देखो ये dy by dx है, आप लोगों को पता है d इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं dy by dx ऐसे पढ़ते हैं। बाकी होता क्या है, ये एक्चुअल में ये नहीं होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी बाई डी एक्स, और बाहर ये वाई होता है तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएट एक्स ऑफ वाई या डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे पढ़ते हैं कंप्लीट। बट हम जनरली वैसे बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो ऐसे पढ़ेंगे। बाकी ये क्या होता है, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई, क्या पढ़ेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई, वैसे एक्चुअल में होता ये है ये। क्लियर, अब हम लोग इसकी बात करें तो डी बाई डी एक्स, या इसको आप लोगों देखो फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, या उसको ये बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको ये भी बोल देते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, किसका चेंजमेंट वाई का, किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में बोल देते हैं। तो ये हम इसको इस टाइप से पढ़ते हैं। तो यहां से y की जगह fx भी लिख सकते हैं, d by dx of fx, या फिर y1 mean one का means भी होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव फंक्शन का, मतलब ये सब f dash x की डिनोट करने के अलग अलग टाइप्स हैं, ड्राइव फंक्शन की टाइप है। y1 का means भी क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, और y डैश ऊपर कर रहे हैं, इसका मीन्स भी क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x।
क्लियर हुआ? तो अब ये अलग अलग मेरे पास इसमें नोटेशंस हैं जो हम लोग लिखे हैं इसमें डेरिवेटिव्स की। अब देखो मेथड क्या है फाइंडिंग ऑफ डेरिवेटिव। हमने इसे प्रीवियस जो लेक्चर करवाया था इसमें डेरिवेबल वाले में, वहां पर हमने बताया था, एक बार फिर देख लीजिए कि मेरे पास लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी एनी डेरिवेबल फंक्शन ऑफ एक्स है। क्या है? कोई डेरिवेबल फंक्शन दे रखा है, क्लियर? और x यहां से इसमें क्या दे रखा है डेरिवेबल फंक्शन में, और x बी एनी आर्बिट्री पॉइंट इन द डोमेन। जो x है इसकी डोमेन में कोई आर्बिट्री पॉइंट दे रखा है। तो हमने कंसीडर किया है लेट डेल x बी द स्मॉल चेंज इन, स्मॉल चेंज या इंक्रीमेंट भी बोलते हैं, चेंज इन y, सॉरी डेल x इन x एंड डेल y बी द स्मॉल चेंज इन, स्मॉल चेंज इन y। क्लियर हुआ? तो आप लोगों को पता है डेल जो है डेल x है वो स्मॉल चेंज इन x है, और डेल y है उसको बोलते हैं स्मॉल चेंज इन y। तो आप लोगों को पता है y इज इक्वल टू अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है तो y में चेंजमेंट क्या होगा, डेल y। कब होगा वो बताइए, डेल y कब होगा, जब x में चेंजमेंट क्या हो, डेल x हो। मीन्स x में चेंज किया प्लस डेल x, तो y में क्या चेंजमेंट हो गया, डेल y। अब आप लोग देखिए कि डेल y यहां से क्या आएगा, एफ एक्स प्लस डेल x माइनस ऑफ y। तो ये डेल y क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x। अब आप लोग देखिए ये हमारे पास है तो ये चेंज इन y है, चेंज इन y क्या होगा भाई, जो चेंज इन x माइनस एफ ऑफ x। तो यहां से मैंने इसको डेल x से डिवाइड कर दिया, डेल x से डिवाइडिंग बाय डेल x ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता, क्लियर? और मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट ले रहा हूं, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो। अब आपको पता है डेल x टेंस टू जीरो में लिमिट लेता हूं, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो, तो ये जो आ रहा है यही डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स। इसी को ही क्या बोलते हैं, यही होता है f डैश ऑफ x, क्लियर? कि मतलब हमारे पास ये नीचे इसमें नहीं है ये इंक्लूड, ये तो ऊपर है डेल x, क्लियर? क्या होता है लिमिट डेल x टेंस टू जीरो, डेल y डेल x इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल x। तो ये क्या है, इसको पढ़ेंगे लिमिट डेल x टेंस टू जीरो। जब हमारे पास डेल x टेंस टू लिमिट जीरो लेंगे तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, मींस f डैश ऑफ x। ये मैंने बता दिया ये कि मीन है इनका, तो यहां से ये f डैश x है, इसको हम dy by dx भी हम बोल देते हैं। तो ये जो आप लोगों ने देखो, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, अगर मैं डेल x की जगह h रिप्लेस कर दूं तो यहां से ये आएगा ना, क्या आएगा कि f डैश x ऑफ f डैश x लिमिट h टेंस टू जीरो f x प्लस x माइनस एफ एक्स बाई एच। या आपने देखो डेल एक्स की जगह हमने एच रिप्लेस किया है, तो एच टाइम्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब बताओ ये फॉर्मूला आप लोगों ने इलेवंथ में पढ़ा है, इलेवंथ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, किसके अंदर, डेरिवेटिव के अंदर। ये किसका फॉर्मूला है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव। किसी भी फंक्शन का हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको दूसरा फ्रॉम द डेफिनेशन भी बोल देते हैं, इसको ये भी कह देते हैं फ्रॉम डेफिनेशन, इस प्रकार हम बोल देते हैं। और या और दूसरा इसको ये बोल देते हैं ए बी इनिशियो, ठीक है ना? ये तो ये इनका नाम है फर्स्ट, बाकी मेन हमारे पास जो इलेवंथ में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम अच्छी तरह सुना होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से फंक्शन का डेरिवेटिव हम किस प्रकार निकालेंगे, और वहां पर हमने जितने भी फॉर्मूले वो ड्राइव करे भी है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, कोस एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, टेन का, सीकेंट का, कोट का, कोसीकेंट एक्स का, इन सब का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल करवाया था, और किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमने वहां से करवाया था। तो आप लोग देखोगे कि आज आप को हमें निकालना है डेरिवेटिव, हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आपको ये भी पता है y इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो जो यहां पे x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये x को y को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपने 11th
अच्छे से पढ़ी है तो इनके अंदर आप लोगों को सभी टर्म जरूर डिफाइन कर रखी है सारी की सारी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो जो x रहेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, जो y रहेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो ये सब बातें हम लोग पढ़ के आए क्लास 11 से, ये सब फॉर्मूले 11th क्लास के हैं। तो अब देखो हम लोग कुछ बेसिक रूल्स पढ़ते हैं इसके कि किस टाइप से हमारे पास इसको हम सोल्व करते हैं, डिफ्रेंशिएशन किस प्रकार हम फाइंड करते हैं, तो वो कुछ एक बेसिक रूल मैं आप लोगों को बताता हूं। अब आप लोगों ने पढ़ा है देखो लिमिट्स की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं लिमिट का चैप्टर उठा लेता हूं। लिमिट के अंदर कुछ एक फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि अगर मान लीजिए लेट यू कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और वी कोई फंक्शन है वो जी ऑफ एक्स है, टू फंक्शन है एक्स के, यू है फंक्शन ऑफ एक्स है, वी है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स है। तो आप लोगों को पता हो कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा है अगर हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, अगर कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन के अंदर है तो कॉन्स्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। कुछ एक मैं लिमिट्स के रूल्स लगाऊंगा इसके अंदर, तो ये मैं सब पहले आप लोगों को करवा देता हूं। क्लियर? अगर मेरे पास यहां से लिमिट एक्स टेंड्स टू ए अगर टू फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो क्या होगा, ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो। अगर बीच में साइन माइनस होगा तो यहां क्या आएगा, माइनस आएगा। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, या कोई कोसेंट में है तो लिमिट हम सेपरेटली ओपन कर सकते हैं, कहीं भी फंक्शन जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लिमिट लगा के सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल के अंदर अगर कोई लिमिट लग रही है एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये सब फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। यहां क्लास 11 से रिलेटेड बातों का डिस्कस कर रहा हूं मैं, आप लोगों ने देखा होगा वहां पे ये सब बातें आपने पढ़ी है। अगर यहां पे अंडर रूट है तो यहां पर सेपरेटली अंडर रूट लग जाएगा, जैसे यहां पे अंडर रूट है तो यहां सेपरेटली अंडर रूट हम लगा सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ये लिमिट्स के फॉर्मूले हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए क्या पढ़ा है, एक्स रेस टू पावर एन ए रेस टू पावर एन, अगर मेरे पास यहां पर पावर सेम है दोनों की, बेस नीचे सेम है, तो एन क्या होगा ए रेस टू पावर एन माइनस वन, जो हमारे पास जो पावर है वो फिर कॉन्स्टेंट फिर उसमें से कम। फिर आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सॉरी अगर लिमिट जीरो है एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स है तो वन होता है, या एक्स बाई साइन एक्स है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ये पढ़ा है टेन एक्स बाई एक्स है ये भी वन होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। यहां अगर साइन का स्क्वेयर तो नीचे एंगल का स्क्वेयर मिलना चाहिए, अगर मान लो यहां पर साइन स्क्वेयर है तो नीचे क्या चाहिएगा एक्स ऑफ स्क्वेयर होगा। तो ये सब बातें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, कहां से पढ़ी है सारी बातें आप लोगों ने क्लास 11 से पढ़ी हुई है, ठीक है ना। अब कुछ एक बेसिक बातें, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फॉर्मूले देखते हैं, आप लोगों ने जो 11 पढ़े वही फॉर्मूले हैं, तो आप लोग इसके अंदर देखिएगा कि किस टाइप से हम क्वेश्चन का डेरिवेटिव करते हैं। जैसे आप लोगों ने ये लेट वाई मान लीजिए डी वाई डी एक्स क्वेश्चन, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, किसी भी कॉन्स्टेंट फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे वो आंसर क्या आएगा जीरो। देखो डी बाई डी एक्स का मीन्स क्या है कि डिफरेंशिएट सी विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो किसी भी कॉन्स्टेंट फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो उसके उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा जीरो। कॉन्स्टेंट समझ गए, कोई भी काउंटिंग नंबर जितने भी है, मान लो इंटीजर्स वगैरह जितने भी नंबर लाइंस पर नंबर है वो सारे क्या है कॉन्स्टेंट नंबर है। तो उसके बाद सेकेंड आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन, ये आप लोगों ने पढ़ा है एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था कि देखो इसका फॉर्मूला ये था कि पावर हम आगे लेंगे, पावर में एक लेस एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब डी बाई डी एक्स बेस का, बेस क्या है बच्चों देखो बेस इसका ये है एक्स, तो एक्स का, तो आप लोगों को पता है एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन और एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, क्योंकि पता है x की पावर 1 है, कैसे करेंगे पावर 1 आगे पावर में कम करेंगे तो 1x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है तो 1 हुआ। तो हमारे पास सिंपली फॉर्मूला क्या निकल के आया x रेज टू पावर n का n x रेज टू पावर n माइनस 1, ये आप लोगों ने पढ़ा है पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम किस प्रकार करेंगे। उसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला है, जैसे मेरे पास ये है डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस, देखो इन सब का प्रूफ बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम कर सकते हैं और 11th क्लास में करा भी है, तो हम लोग अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, तो इसलिए आप लोग इसको डायरेक्ट करिएगा, फॉर्मूले याद रखने हैं आपको ए एक्स प्लस बी। तो देखो क्या बताया था इसका फॉर्मूला कि हमने क्या बताया था पावर आगे लेंगे पावर में एक लेस करेंगे,
लेस करो एन माइनस वन, क्लियर। अब डी बाई डी एक्स बेस का, बेस इसका क्या है, बेस ये है हमेशा ए एक्स प्लस बी, क्लियर। तो क्या हुआ एन ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन माइनस वन, आपको पता है ए एक्स का तो वन होता है तो ए इंटू वन और कॉन्स्टेंट का जीरो, तो यहां से आप लोगों के पास क्या फॉर्मूला आया डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन का क्या होता है एन ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन माइनस वन, और ये ए ही बचेगा चाहो तो आगे ले सकते हो, तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। तो इस प्रकार हमने इसमें थ्री फॉर्मूले बताए हैं आप लोगों को। अब देखो आप लोगों को पता है जैसे मैं लिख दूं कि भाई डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर फाइव का डेरिवेटिव निकालिए, तो आप लोगों को पता है किस टाइप से निकालोगे, सिंपल है, क्या करोगे फाइव आगे फाइव में एक लेस, अब डी बाई डी एक्स किसका बेस का, बेस क्या है एक्स का, यही होता है पावर, बेस होता है जो पावर के साथ जो नीचे होता है बेस होगा, तो यहां से फाइव एक्स रेज टू पावर फोर ये वन, तो इसका क्या आएगा फाइव एक्स रेज टू पावर फोर, आप इजिली सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। अगर आपके पास इस टाइप से आ जाए भाई डी बाई डी एक्स आप निकालिए थ्री एक्स प्लस फोर रेस टू पावर नाइन इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो आप क्या करोगे सिंपल है पावर आगे लेंगे हम, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, डेरिवेटिव का टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नाइन माइनस वन, क्लियर, पावर आगे पावर में एक लेस, अब डी बाई डी एक्स किसका बेस का थ्री एक्स प्लस फोर का डेरिवेटिव, आप लोग देखोगे नाइन थ्री एक्स प्लस फोर रेस टू पावर नाइन माइनस वन एट, अब थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री होगा और एक्स का वन और फोर का जीरो। तो देखो ये हमने बेसिक बातें बताई आप लोगों को और ये इंटू थ्री तो 27 आ जाएगा। तो ये बेसिक है हमारे पास डिफरेंशिएशन जो आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ के आए हो, तो इस टाइप से आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो। देखो मैं आपके लिए एक फॉर्मूला और लिख देता हूं यहां से, जैसे आप लोगों के पास कोई भी फंक्शन स्क्वेयर रूट के अंदर आता है, देखो मोस्टली हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें स्क्वेयर रूट के फंक्शन पूछे जाएंगे, तो मैं जैसे डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला लेके डायरेक्ट बताऊंगा, आप सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे। हमें पता है अंडर रूट का मींस होता क्या है एक्स रेज टू पावर वन बाई टू होती है, होती कि नहीं होती, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या रूल है भाई पावर आगे लेंगे पावर में एक कम करेंगे वन बाई टू माइनस वन, और आप डी बाई डी एक्स किसका करेंगे डिफरेंशिएशन बेस का, क्लियर। तो याद रहे ये वन बाई टू ये माइनस वन बाई टू इसका वन होगा, तो 1 बाई टू नीचे आके प्लस 1 बाई टू होगा, और 1 बाई टू का मीन्स रूट ऑफ एक्स है, तो आप लोगों को यहां से समझ में क्या आया कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई टू अंडर रूट एक्स। तो आगे कभी भी अगर ये आता है कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन आता है तो उसका डेरिवेटिव का एक ही रूल है, क्या रूल है कि 1 बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स मीन्स क्या 1 अपॉन में 2 1 बाई टू, और अपॉन में क्या लिखोगे जिसका हमें जो स्क्वायर रूट में फंक्शन है वो एज इट इज उसका और फिर अंदर वाले फंक्शन का। अब एक बात यहां से समझ में आती है कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस का डेरिवेटिव करने के लिए आप लोगों के पास क्या रूल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव के लिए किसके लिए डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फंक्शंस का, तो सबसे पहले पावर का करेंगे, किसका करेंगे पावर का, तुरंत बाद फिर किसका बेस का। याद रहे बात किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव करें या फिर कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन आए तो हर के अंदर यही है कि पहले पावर का करेंगे फिर उसके बाद बेस का करेंगे, तो इजीली हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। उसके बाद में डिफरेंशिएशन के कुछ एक बेसिक रूल जो हमने लिमिट्स के पढ़े हैं वही रूल्स है हमारे पास, जैसे मेरे पास ये है कि डी बाई डी एक्स अभी बताया था, मान लीजिए यू कोई फंक्शन एफ फंक्शन एक्स का है और v कोई फंक्शन है वो भी x का फंक्शन है, टू फंक्शंस है, अगर मेरे पास दोनों प्लस u c इंटू यू आ रहा है तो हम कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, क्लियर, u फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट को हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर d बाई डी एक्स अगर मेरे पास दोनों सम में है u प्लस v है तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v, तो इजीली हम लोग कर सकते हैं, यहां बीच में अगर माइनस आएगा तो यहां पर क्या लेंगे माइनस का साइन लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं इंपोर्टेंट फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है सारे पढ़ रखे हैं ये सभी बेसिक्स है, 11th के प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मींस अगर मेरे पास कोई वेरिएबल ऑफ एक्स दो प्रोडक्ट में है यू इंटू वी है, दोनों प्रोडक्ट में है डी बाई डी एक्स यू इंटू वी है, तो आप लोग क्या करोगे उसके लिए कि पहले क्या करोगे ये फर्स्ट फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो इजीली आप लोग कर सकते हो, मींस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू,
कर सकते हो इजीली। तो अगर दूसरा है क्वोशेंट रूल, क्वोशेंट का मतलब अगर डिवीजन के अंदर हमारे पास कोई फंक्शन आए तो हम कैसे निकालते हैं, तो डिवीजन के अंदर कोई फंक्शन आए तो कैसे निकालते हैं, इट मींस डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी का रूल। तो क्या होता है, याद रहे फॉर्मूला, वी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर यू का डेरिवेटिव माइनस यू एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। इजिली कर सकते हो यू अपॉन वी का, कि वी का स्क्वायर वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, हम क्वेश्चंस के अंदर वैसे तो अप्लाई करेंगे। तो अब तक हमने जो पढ़ाए हैं वो सारे बेसिक है उसके, वो हम लोगों ने करवाए हैं। अब उसके बाद देखिएगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास याद रखेंगे, सारे जो बेसिक रूल है वो याद हम रखेंगे इनको। अभी देखिए कि डेरिवेटिव हमारे पास कोई भी फंक्शन आ जाए कि इस प्रकार, ये याद रखने आपको सभी रूल, डी बाई डी एक्स अगर साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आए तो साइन का डेरिवेटिव होगा कोस, डेरिवेटिव ऑफ साइन डी बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस होगा। फिर डी बाई डी एक्स जो कोस एक्स का डेरिवेटिव, याद रहे जिसका डेरिवेटिव सी से शुरू होगा, जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव सी से शुरू होगा उसके आगे साइन माइनस आएगा, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स टेन ऑफ एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। क्लियर, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बता रहा हूं मैं। फिर डी बाई डी एक्स, फिर कोटेक्स का डेरिवेटिव, अब बताओ कोटेक्स सी से शुरू हो रहा है तो क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, क्या होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद हम देखते डी बाई डी एक्स, यहां से अलग करें डी बाई डी एक्स, यहां से सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव, तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट इन टू टेंजेंट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इन टू टेंजेंट एक्स। और फिर डी बाई डी एक्स, ये क्या है कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव, कोसिकेंट का होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेक्स, क्या होता है माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेक्स। तो मैंने जो सामने सेवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हैं उनका डेरिवेटिव हम लोगों ने करवाया है। तो यहां से एक बार फिर दोबारा देख लीजिए कि इधर उधर नहीं दिखेगा तो भी, कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, और डी बाई डी एक्स कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोटेक्स। तो इजीली आप लोग कर सकते हो, ये पता है कोटेक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स। तो ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव याद रहे, इधर ये पॉलिनोमियल्स का डेरिवेटिव याद रहे, इधर ये रूल्स याद रहे। अब आप लोगों को पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देखो अगर आप लोगों को कोई भी ट्रिगो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर उनका डेरिवेटिव निकालना हो, क्या निकालना हो, उनका डेरिवेटिव निकालना हो, तो रूल्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी पावर का करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करेंगे, और फिर एंगल का करेंगे। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करेंगे, पहले पावर, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एंगल का, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे हम आपको डीपली करवाएंगे उनके अंदर, ये मैंने बेसिक्स बताए हैं। अब हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज है इसके अंदर, कौन सी एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज है 7.1, वो हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो देखिए एक्सरसाइज 7.1, देखिए मैंने क्वेश्चन हमारे पास ये 7.1 से रिलेटेड 6 क्वेश्चन से लिखे हैं। देखो तो सबसे पहले एक बात बता देते हैं आप लोगों को कि एक चैन रूल और है, कि चैन रूल होता क्या है, चैन रूल आपको बताते हैं। लेट मेरे पास वाई कोई फंक्शन है वो यू का दे रखा है, यू फंक्शन है वो वी का है, और वी जो वी है वो फंक्शन है एक्स का है, और आप लोगों को क्या पूछे डी वाई बाई डी एक्स। इट मीन्स क्या है कि हम लोग डेरिवेटिव कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास जिसका फंक्शन हो, जैसे आपको पता है वाई यू का फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव हम सिर्फ यू के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, यू वी का फंक्शन है तो यू का डेरिवेटिव वी के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, यू वी एक्स का फंक्शन है वी का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। बट जब आपके पास जो फंक्शन है वो क्या आ जाए कि हमारे पास कि एक्स के जो हमारे पास वेरिएबल अदर और डिफरेंशिएशन अदर से पूछे, तो आप लोग सेपरेट करोगे, पहले क्या करोगे डी वाई बाई डी यू, यू के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव एफ डैश यू होगा,
फिर यू का वी के रेस्पेक्ट में डी यू बाई डी वी एफ डैस वी होगा, और वी का एक्स के रेस्पेक्ट में ये आएगा एफ डैस ऑफ एक्स आएगा। अब आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दू डी वाई बाई डी यू, डी यू बाई डी वी, डी वी बाई डी एक्स। आप लोग देखो कैंसिल करोगे इनको, अगर कैंसिल करोगे तो यही बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मेरा आंसर हुआ किससे, चैन रूल से हम किस प्रकार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं वो बातें हमने बताई है। और ये देखो ये जो होता है डी बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। हमने पहले बताया था डिफरेंशियल डिफरेंशियल कोफिशियंट, डिफरेंशियल कोफिशियंट हम लोग बोलेंगे। तो देखिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे 7.1 एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे, सबसे पहले हम कोई लेट वाई कंसीडर कर लो, कोई भी फंक्शन वाई इज इक्वल टू जो दे रखा है अंडर रूट 15 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट हर क्वेश्चन में लिखेंगे जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, याद रहे जिसका फंक्शन हो उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स भी बोल सकते हैं। तो आप लोग क्या लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो रही बात अंडर रूट की, मैंने रूल जो आपको लिखाया डी बाई डी एक्स, अब बार बार नहीं करेंगे हम लोग, एक बार हमने रूल आपको कंप्लीट सोल्व करके बताया था, ये अभी अभी रूल बताया था कि नहीं बताया था बताओ। डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, एक मैं आपको कंप्लीट करके बताता हूं उसके बाद आपको हर इस रूल के थ्रू बताएंगे। तो आप लोग देखिए क्या करोगे, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मींस 1/2 पावर है। तो क्या करेंगे पावर 1/2 आके पावर में एक लेस करो 1/2 माइनस 1, क्लियर। अब डी बाई डी एक्स किसका, बेस का, बेस बच्चों क्या है यहां पे, यही है हमारे पास बेस क्या है 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो आप लोग देखोगे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ, ये क्या होगा बताओ 15x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, बताओ इसका डेरिवेटिव आपको पता है 15, ये एक्स स्क्वायर का पावर 2 आगे पावर में एक कम 2 माइनस 1 होगा, ये माइनस एक्स का 1 और 1 का 0 होगा, आपको पता है हाफ, इसको नीचे ले आओ, पावर अगर नेगेटिव हो तो उसका अपन चेंज कर देते हैं प्लस 1/2, और यहां से ये आएगा क्या 30x माइनस 1। तो ये मेरे पास आंसर हो गया। तो इजीली हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास सेकंड है, हम कंसीडर करते हैं लेट y इज इक्वल टू क्या है x प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1, क्लियर। अब आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि डिफरेंशिएट में डी आई डबल एफ लिख रहा हूं, तो इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकते हैं। तो क्या करोगे वाई का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो सबके साथ एक बार डेरिवेटिव लगा दो डी बाई डी एक्स, एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट का प्लस में, रूल हमने बताया था इसके अंदर एलजेब्रा ऑफ जो डेरिवेटिव में एलजेब्रा उसको कैसे सोल्व करते वो बातें हैं। तो x का डेरिवेटिव 1, अब अंडर रूट का मैंने कहा कि देखो आप सोल्व तो ऐसे कर सकते हो बट आप लोगों को अंडर रूट का एक फॉर्मूला हमने बता दिया उसके अकॉर्डिंग सर बहुत आसान है, कैसे करोगे इसको नीचे ले आओ 2 के साथ, कोई भी स्क्वायर रूट का फंक्शन आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो बट आसान हमने फॉर्मूला लिखा दिया तो इससे करिए। तो क्या करोगे कि 1/2 के साथ जो अंडर रूट है उसको एज इट इज लिख दो, नीचे 2 के साथ लिख दोगे। अब डी बाई डी एक्स जो अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर ये क्या है एक्स क्यूब माइनस 1, क्लियर। तो आप आएंगे सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके सामने ये एक्स क्यूब माइनस 1, बताओ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा मुझे बताइए 3x स्क्वायर, पता है पावर 3 आगे पावर में एक लेस करें 3 में से एक माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0। अब बताओ इसका एलसीएम क्या रहा है, चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ये आ रहा है तो आएगा 2 अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग ये सोल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस का डेरिवेटिव इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चंस इसके अंदर बताए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड इसका जो क्वेश्चन है क्या है अंडर रूट ए अंडर रूट ए प्लस ऑफ एक्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए कि सबसे पहले हर क्वेश्चन में लेट वाई इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट ए प्लस ऑफ एक्स, यही होगा। अब आप सबसे पहले क्या लिखोगे भाई डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो वाई का डेरिवेटिव तो डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब अंडर रूट का डेरिवेटिव, हमने बताया था किसी भी स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या करेंगे, टू के साथ उतार लेंगे उसको, क्या यहां से वन बाई टू के साथ एज इट इज उतार लीजिए, क्लियर। बट अब आगे d by dx किसका लिखेंगे, जो उसके अंदर है। देखो अब अंडरूट के अंदर क्या है, आप लोगों को पता है अंडरूट के अंदर हमारे पास एक बार में हम एक देखेंगे यहां तक है, तो ये अंडरूट के अंदर है तो क्या करेंगे a प्लस अंडरूट a प्लस ऑफ x, क्लियर हुआ। आगे देखिए dy by dx, यहां से 1 बाई टू अंडरूट a प्लस अंडरूट a प्लस ऑफ x। अब बताइए a का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट है, जीरो होगा, अब फिर अंडरूट आ गया, अंडरूट के लिए क्या करेंगे, वो ही क्या करेंगे, अंडरूट का जहां भी करना हो टू के साथ उतारेंगे, और d बाई डी एक्स किसका, a प्लस एक्स का, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब आप लोग देखिएगा क्योंकि अंदर इसके फंक्शन आपको पता है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर a प्लस एक्स है, उसका डेरिवेटिव करेंगे। अब आप लोग देखिए वन बाई टू अंडर रूट ए प्लस ऑफ एक्स, यहां से देखो जीरो का मत करो हटा दो, यहां से देखो नीचे एज इट इज टू अंडर रूट ए प्लस ऑफ एक्स, ए का डेरिवेटिव जीरो एंड एक्स का वन, तो आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वन अपॉन फोर अंडर रूट ए प्लस ऑफ एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स, तो इजीली आप लोग इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, तो इसका डेरिवेटिव का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ है, लेट y इज इक्वल टू क्या है, थ्री अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रेज टू पावर टू। अब आप देखिए सबसे पहले इसके अंदर कोई भी फंक्शन है उसकी पावर होती है तो उसको हम लोग यहां से जो डिनोमिनेटर में है तो उसको ऊपर लेके नेगेटिव बना सकते हो, y ये हो सकता है क्या 2x square plus 5 raised to power plus 2 क्या हो जाएगी minus 2। अब हम लिख देंगे भाई differentiate, या एक ही बात है derivative भी लिख सकते हो, derivative with respect to of x, तो y का derivative dy by dx क्या करोगे, power आगे, power क्या है minus 2 आगे, clear, power में एक less करेंगे 2x square plus 5 less करो minus 2 minus 1, clear, क्या करेंगे पावर आगे, पावर में एक लेस माइनस टू माइनस वन। अब d बाई डी एक्स किसका करोगे, बेस का, बेस क्या है टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, अब दोगे ना बेस का क्या आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अब आप लोग देखिए इसमें क्या लिखोगे, माइनस सिक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रेज टू पावर माइनस थ्री, आप बताइए इसका डेरिवेटिव, अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव हम करें तो 2x स्क्वायर का आपको पता है पावर 2 आगे, पावर 2 में से एक करेंगे कम करेंगे तो 1 आएगा और 5 का 0, तो यहां से क्या आया देखो माइनस सिक्स, इसको नीचे लेके आ सकते हैं प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर प्लस 3 और ये आएगा 4x, तो ये कितना आएगा माइनस 24x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर 3, तो इजीली आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो जो हमने मेथड बताए उनके अकॉर्डिंग। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, अब फिफ्थ में आप लोग क्या देख रहे हो कि प्रोडक्ट के अंदर नंबर्स है हमारे पास, तो आप लोगों को मैंने जो दो रूल बताए उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो सबसे पहले हम लेट y इज इक्वल टू हम फंक्शन लेके चलें, क्या फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5 बाई 3, ये x प्लस 5 रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2 है, यही दे रखा है आपको। देखो u, ये u है, ये v है, प्रोडक्ट के अंदर है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है याद हो तो, भाई हम पहले लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, आप लोगों को याद है कि d बाई डी एक्स यू इंटू वी का थोड़ी देर पहले बताया था, u एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ u, इजीली कर सकते हो आप लोग, तो यहां से लिखो इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग y का डेरिवेटिव dy by dx क्या करोगे 2x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू पावर 5 by 3, यही होगा ये 5 by 3, फिर क्या करोगे d by dx किसका डेरिवेटिव x प्लस 5 रेज टू पावर माइनस 1 by 2 का, क्लियर, v की वैल्यू रख दी, फिर प्लस x प्लस 5 रेज टू पावर माइनस 1 by 2 एज इट इज d by dx किसका 2x square plus 3 का derivative और उसकी पावर क्या है 5 by 3, तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, पहले हमने रूल में रखा है। अब आप देखो डेरिवेटिव जहां है जिसका डेरिवेटिव है उसी को ही हम सोल्व करेंगे,
आप लोग बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहां से क्या होगा माइनस वन बाई टू आगे पावर में कम करो माइनस वन बाई टू माइनस वन, आपको बताया रूल, रूल क्या था पावर आगे लेंगे पावर में एक लेस माइनस वन। अब डी बाई डी एक्स और बेस का बेस क्या है एक्स प्लस फाइव, तो आप लोग इजीली कर सकते हो, यहां से क्या करोगे एक्स प्लस फाइव रेस टू पावर माइनस वन बाई टू, इसका डेरिवेटिव कैसे बताओ कैसे करोगे फाइव बाई थ्री आगे पावर में एक कम फाइव बाई थ्री माइनस वन और d बाई डी एक्स किसका बेस का किसका टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का, तो कर सकते हो कि नहीं कि पावर फाइव बाई थ्री आगे पावर में एक लेस डेरिवेटिव बेस, बेस मेरे पास ये है। अब जिनके आगे d बाई डी एक्स नहीं है उसको एज इट इज रखेंगे, याद रहे ये बात। अब देखो आगे सोल्व करें हम टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रेस टू पावर फाइव बाई थ्री, अब आप लोग देखिएगा यहां से अगर मैं इसमें लिखूं तो माइनस वन बाई टू मैं आगे लिख सकता हूं इसके, देखो ये माइनस वन बाई टू आगे लिख लिया, ये पता है क्या हुआ एक्स प्लस फाइव की पावर माइनस थ्री बाई टू, एड करेंगे माइनस वन बाई टू माइनस माइनस थ्री बाई टू, एक्स का डेरिवेटिव वन, फाइव का जीरो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यहां से देखिए ये फाइव बाई थ्री, यहां से आप लोग देखो ये नेगेटिव पावर है नीचे लेके पॉजिटिव बना सकते हो प्लस वन बाई टू, और ये आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रेस टू पावर फाइव बाई थ्री माइनस वन, ये क्या आएगा टू बाई थ्री। अब बताओ आप मुझे यहां से टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फोर एक्स आएगा कि नहीं आएगा, और यहां से थ्री का डेरिवेटिव जीरो मत लिखो चाहे उसको, अभी आगे और देखना चाहो इसको सोल्व करना चाहो तो यहां से लिख देते हैं। देखिए यहां से ऊपर क्या बच रहा है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन क्या है ये इसकी पावर फाइव बाई थ्री और ये अपॉन टू माइनस है आगे, यहां से ये नेगेटिव है नीचे आके पावर हो जाएगी पॉजिटिव एक्स प्लस फाइव की पावर थ्री बाई टू, फिर प्लस फाइव बाई थ्री ये x प्लस फाइव रेस टू पावर वन बाई टू, यहां से इसको देखो फाइव को फोर से कर लो सीधा लिख सकते हो ट्वेंटी एक्स, और ये क्या है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रेस टू पावर टू बाई थ्री, यही आएगा। अब आप बताओ इसका एलसीएम क्या रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है सिक्स एक्स प्लस फाइव रेस टू पावर थ्री बाई टू, यही आ रहा है। तो आप लोग देखो इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो थ्री आएगा, इसको करेंगे तो माइनस थ्री टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रेस टू पावर फाइव बाई थ्री प्लस, अगर आपको पता है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो थ्री को सिक्स से करेंगे तो टू आ रहा है, इसको इससे करेंगे तो एक आएगा एक्स प्लस फाइव, यही आएगा। आपको पता है वन बाई टू में से थ्री बाई टू माइनस करेंगे तो वन पावर बच जाएगी, और इसको हमें पता है जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई ट्वेंटी एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर टू बाई थ्री, तो इतना हमारा बिल्कुल राइट है। और आगे इसको अगर सोल्व करना चाहो तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा dy बाई डी एक्स। अब आप लोग सोल्व कर सकते हो, बताइए इसका एलसीएम क्या आ रहा है, यहां से इसका एलसीएम आ रहा है टू एक्स नहीं सॉरी कॉमन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रेस टू पावर टू बाई थ्री, यहां से कॉमन आ रहा है। अब बताओ यहां से अगर मैं टू बाई थ्री, देखो जो कॉमन लेने का मीन है कि उसकी पावर में से वो माइनस करना, फाइव बाई थ्री में से टू बाई थ्री माइनस करेंगे तो यहां से वन पावर आएगी, तो ये भी आएगा तो आएगा माइनस थ्री टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव रेस टू पावर वन, और यहां से देखो ये तो पूरा भर आ गया तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये आएगा फोर्टी एक्स एक्स प्लस फाइव डिवाइड में क्या है सिक्स इंटू एक्स प्लस फाइव रेस टू पावर थ्री बाई टू, और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रेस टू पावर टू बाई थ्री, ये होगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन प्लस फोर्टी एक्स स्क्वायर प्लस टू हंड्रेड ऑफ एक्स डिवाइड में सिक्स इन टू एक्स प्लस फाइव की पावर थ्री बाई टू, और इनको ऐड कर सकते हैं तो ये हमारा क्या जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इसका आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल से आप लोगों को किस प्रकार आप डिफरेंशिएशन करते हो हमने वो बताया आपको। अब जो हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है इसका वो क्या है सिक्स क्वेश्चन, इसके अंदर फर्स्ट का जो सिक्स पार्ट है उसमें हम आप लोगों को जो हमारा फोर्थ रूल है कौन सा रूल है फोर्थ क्वोशेंट रूल उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप क्वोशेंट रूल के बारे में देखिएगा कि लेट मेरे पास y इज इक्वल टू फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू रेस टू पावर टू अपॉन ये क्या है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही है। अब आपको सबसे पहले रूल पता होना चाहिए, जब तक आप लोगों को रूल पता नहीं होगा आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो रूल कैसे करोगे देखो, यहां से ये u है और ये v की फॉर्म में है, तो आपको पता अभी बताया था डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी क्वोशेंट रूल बोलते हैं। कैसे सोल्व करेंगे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर
डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर यू का डेरिवेटिव और डी बाई डी एक्स फिर क्या करेंगे यू एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वी। तो ये रूल है हमारा। तो अगर हम सबसे पहले हम लिखे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हमने लिखा है रूल, ये आपको नहीं लिखने की जरूरत है, आप मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। तो क्या करोगे y का डेरिवेटिव dy by dx, पहले आप रूल अप्लाई करिए, क्या करोगे बताओ 3x square plus 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या करोगे 3x square plus 1 as it is d by dx किसका डेरिवेटिव x square plus 2 raise to power 2 का डेरिवेटिव माइनस x square plus 2 raise to power 2 as it is। अब dy dx किसका डेरिवेटिव 3x square plus 1 का डेरिवेटिव। अब आप लोग देखिए यहां से अगर हम एक स्टेप और ले लेते हैं यहां पे, तो यहां से क्या आएगा कि 3x square plus 1 इसकी पावर 2 है। आप देखो 3x square plus 1 as it is, अब आप डेरिवेटिव करिए, हमने रूल बताया हुआ है इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे पावर 2 आगे पावर में एक लेस 2 माइनस 1। अब dy dx किसका बेस का, बेस क्या है x square plus 2 का, आपको पता है ना कि पावर 2 आगे लेंगे पावर बेस as it is पावर में कम 2 माइनस 1। अब dy dx डेरिवेटिव किसका बेस, बेस क्या है x square plus 2, फिर x square plus 2 as it is। अब इसका डेरिवेटिव आपको पता है बताओ 3x square का क्या होगा 6x और 1 का 0। अब देखो आगे हम लोग इसका देखें तो dy by dx इक्वल टू क्या आएगा, आप लोग देख लीजिए यहां से 3x square plus 1 का होल स्क्वायर। अब आप बताओ यहां से आता क्या है, यहां से आएगा 3x square plus 1 यहां से 2 into x square plus 2 power 1, वही as it is लिखते हैं। x square का डेरिवेटिव 2x और 2 का क्या होता है 0, x square का डेरिवेटिव 2x 2 का 0 और यहां से करें माइनस 6x। आप x square plus 2 का होल स्क्वायर खोल सकते हो, क्या होता है बताओ x square का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर plus 2 into x square into 2, तो आप easily कर सकते हो। तो यहां से अगर next step हम देखें क्या आएगा 3x plus 1 का होल स्क्वायर, ये क्या जाएगा 3x plus 1, यहां से बताओ 2x को 2 से करेंगे 4x, 4x को x स्क्वायर से करेंगे क्या आएगा 8x स्क्वायर प्लस इसको करेंगे 8x, यहां से माइनस क्यूब आएगा, देखो x है तो यहां पे आएगा क्यूब, क्लियर, और यहां से क्या आएगा 6x। आप देखो एक बार लिख दो 6x, या फिर आप सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो x लिख दीजिए, अगले नेक्स्ट टाइम में कर देंगे यहां से 4 प्लस 4x स्क्वायर। आप देखो यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x square plus 1 raise to power 2, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, यहां से देखो 3x square को 8 से क्या 24x की पावर 5, 3x square को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24x cube, 1 को 8 से करेंगे 8x cube, 1 को 8 से करेंगे 8x minus 6x को x की पावर 4 से करेंगे 6x की पावर 5, 6 को x से करेंगे 24x, इसको 4 को करेंगे minus 24x cube, देखो 24x cube से 24x cube कैंसिल हो रहा है, अभी कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो डायरेक्ट लिख दीजिए, यहां से देखो 24 minus 6 तो 18x की पावर 5, यहां से 8x cube, 8x minus 24 तो minus 16x upon 3x plus 1 का होल स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसके अंदर और कॉमन ले सकते हो या डायरेक्ट ये dy by dx, यही हमारा आंसर होगा। तो आज आप लोगों ने इसके 6 क्वेश्चंस जो फर्स्ट पार्ट के 6 क्वेश्चन करे हैं 7.1 एक्सरसाइज के, कल हम ये 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हमने कराया उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कंप्लीट एक्सरसाइज लेके आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।